So next example is, if one member of the Pythagorean triplet is 18, if member of Pythagorean triplet is 18, find all triplets. ठीक है, so what we'll do, we'll compare 2m is equal to 18, because our Pythagorean triplets are 2m, m square minus 1 and m square plus 1. ये हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी. Now from here we'll get 18 by 2 means 9. So your m is 9 and 2m is 18. Second हम find करेंगे m square minus 1. m is 9, तो क्या होगा हमारा 9 square minus 1 means 81 minus 1, so second is 80. m square plus 1, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, direct जो दिया हुआ है combination वो apply करते जा रही हूँ. 9 square plus 1 means 81 plus 1 and finally it is 82. So your triplets combination is 18, 80 and 81. अब यहां पर आपको वैसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने वो प्रॉपर्टी के थ्रू ही निकाला है. बट स्टिल इफ यू वॉन्ट टू चेक, देन दीज आर थ्री नंबर्स m, n, p एंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रॉपर्टी सेज इफ वी डू m square प्लस n square, सो और उनको एड करें, सो इट विल ऑलवेज इक्वल टू थर्ड जो भी नंबर है उसका स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल टू 81 स्क्वायर. 18 स्क्वायर इज 324, 80 स्क्वायर इज 6400 एंड 81 स्क्वायर इज 6724 एंड इनको अगर हम ऐड करें तो भी ये यही आ रहा है. एल एच एस इक्वल टू आर एच एस मीन्स इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो अब आपको कोई भी नंबर दिया, लाइक m दे दिया 100 और उसके फर्दर कॉम्बिनेशन आपको निकालने को कहे, तो आप क्या करेंगे, 2m इक्वल टू 100 मीन्स m इक्वल्स टू 50 एंड ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे एंड इसके फर्दर जो कॉम्बिनेशन है पूरे ट्रिपलेट के वो आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम स्क्वायर फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे विच इज नोन एज कॉलम मेथड, बट इट इज गुड फॉर ओनली टू डिजिट नंबर्स. ठीक है, मीन्स नाउ वी लर्न अ शॉर्टकट मेथड विच इज नोन एज कॉलम मेथड और ओनली एप्लीकेबल फॉर टू डिजिट नंबर. ओनली एप्लीकेबल नहीं, मीन्स टू डिजिट के लिए कंफर्टेबल है. सो शॉर्टकट मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर, फर्स्ट इज कॉलम मेथड. कोई एग्जांपल लेते हैं इसे सॉल्व करने के, लाइक आई हैव नंबर 57. सबसे पहले इस मेथड में जो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. ए को हम एज्यूम करेंगे 5, बी को 7, मीन्स आई हैव ए इज 5 एंड बी इज 7. नंबर था हमारा 57, उस 57 में ये वाली प्लेस पे जो नंबर है उसे हमने बी नाम दिया, ये वाली प्लेस पे जो नंबर है उसे हमने ए नाम दिया. नाउ विल मेक कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी के तीन पार्ट है, 1, 2 एंड 3. तो हम क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे. इस कॉलम को जो हम नाम देंगे विच इज ए स्क्वायर, दिस इज 2ab
एंड दिस इज बी स्क्वायर, राइट। अब ए हमारा क्या था 5, तो ये होगा ए स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हम वैल्यू फिल करेंगे तो ए स्क्वायर कितना आएगा 25, बिकॉज अवर नंबर वॉज 57, यानी ए वॉज 5। यहाँ पे करेंगे ए इज 5, बी इज 7, मीन्स ये कितना आएगा 5 2 10, 7 70। यहाँ पर बी स्क्वायर मीन्स 49। बहुत इजी मेथड है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, बट इट्स वेरी इजी टू फाइंड टू स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है, ये वाली जो प्लेस पे फर्स्ट ये है, उसको यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 में 7 ऐड किया तो 32। अब हमने यहाँ वाला जो डिजिट रहेगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी नंबर आया उसका ये वाला प्लेस लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस वो यहाँ ऐड हुआ। सिमिलरली यहाँ जो भी नंबर आया स्क्वायर, लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस वाला नंबर यहाँ ऐड किया और ये एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब स्क्वायर निकालने के लिए जो हमें ट्रिक लगाना है वो क्या होगा, ये आंसर हम एज इट इज लेंगे, पूरा कॉपी करेंगे ये वाला एंड ये वाला। सो योर फाइनल आंसर इज स्क्वायर ऑफ 57 इज 32, मीन्स ए स्क्वायर वाली टर्म हम पूरी जो फाइनल आई है सॉल्व की वो लेंगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो लेंगे, सिमिलरली यहाँ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो लेंगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये 3249 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ शॉर्टकट एंड सिंपल मेथड, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंट लगेगी, बट अभी हम इस पे बेस 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल लगने लगेगी। सो इफ सपोज यू हैव ए क्वेश्चन लाइक 62 स्क्वायर और 89 स्क्वायर और 91 स्क्वायर कुछ भी आएगा, तो आप पिछली सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू तो कर ही सकते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज कॉलम मैथड देन यू कैन यूज कॉलम मैथड ऑल्सो, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो कि बाय यूजिंग कॉलम मेथड फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, तो दोनों केस में आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड फटाफट क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएंगे। सो हम फटाफट से कॉलम मेथड को फिर से रिवाइज करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 25 स्क्वायर, एंड यू ऑलरेडी नो द स्क्वायर ऑफ 25 इज 625, तो आपको वेरीफाई करना ईजी हो जाएगा। 25 स्क्वायर में आपका ए जो है 2 है, बी जो है वो 5 है, हमने इनको नेमिंग दे दी। नाउ हम 3 कॉलम्स बनाएंगे, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे, ए स्क्वायर, दिस इज 2ab एंड दिस इज बी स्क्वायर, ठीक है। ए हमारा क्या है 2 स्क्वायर, मीन्स इट इज 4, राइट। 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 5 2 10, 2 20। सिमिलरली 5 स्क्वायर मीन्स 25। हमने लेफ्ट साइड से जो नंबर है वो इसमें ऐड करना है जैसा आपको बताया, सो फाइनल इट इज 22। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो नंबर था वो हमें यहाँ ऐड करना, ये स्टेप को हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल कॉलम हो गया। नाउ हम क्या करते हैं, ये नंबर ले लेंगे जो भी ऐड होने पे आए। अब हम जो लेंगे आंसर के लिए, मैंने आपको बताया ये वाला एंड ये वाला, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो हम आंसर में लेंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, तो जो रूल है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा। सो फाइनली स्क्वायर इज 625, देखिए टिक देखिए, 6 एज इट इज लेना है, ये 2 एंड ये 5, तो 5 स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। जल्दी से हम एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमें ऑलरेडी स्क्वायर पता है, लाइक 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144। नाउ ए इज 1 एंड बी इज 2 बिकॉज योर नंबर इज 12, राइट। कॉलम बनाएंगे 1 2 3, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2ab 2 2 4, ठीक है, एंड b square इज 2 स्क्वायर मीन्स 4। अब यहां पर हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, ऐड करने के लिए, क्योंकि 2 डिजिट्स आए ही नहीं, यहां भी 2 डिजिट्स नहीं आए, तो अब हमें कोई भी डिजिट यहां ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। योर आंसर इज 144
एंड द स्क्वायर ऑफ 12 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 144। ये तो हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया जिनके स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है। नाउ आई विल टेक सम नंबर जिनका स्क्वायर हमें खुद मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, हमें भी नहीं पता है। सभी हमने छोटे नंबर्स का, टू डिजिट नंबर का तो स्क्वायर बहुत ही इजीली निकाला। अब हम थोड़ा सा नंबर बड़ा कर देते हैं, लाइक आई एम टेकिंग 96। आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 96। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेंगे, ए इज 9 एंड बी इज 6। विल मेक थ्री कॉलम्स, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इज ए स्क्वायर, सेकेंड इज 2ab एंड थर्ड इज बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए इज 9, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर, 2ab एंड बी इज 6। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल वैल्यू डाली। 9 स्क्वायर इज 81। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 6 to 12, 12 9 are 108 एंड दिस इज 36। अब जो भी हमें ट्रिक लगाना है वो यहां पर लगाना होता है। ये दो पार्ट हो गए, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो यहां ऐड होगा, एज आई टोल्ड यू, सो फाइनली इट विल 111। और यहां पर जो ये नंबर है, अब यहां हम 11 क्यों लेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस को छोड़ के जो भी डिजिट्स हैं, बाय चांस यहां पर हमारी टू डिजिट आ रही है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिंगल डिजिट था। यहां यूनिट प्लेस को छोड़ के जो भी आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 से लेके कुछ भी, 18, 17, 11, 12 जो भी आया, वो कहां ऐड होगा, यहां ऐड होगा। सो फाइनली इट विल बिकम 92। अब हम लास्ट कॉलम जो हमारा आंसर वाला होता है, ये हमें एज इट इज लेना होता है। आंसर के लिए हम क्या चूज करते हैं, ये वाली प्लेस, तो ये ले लेंगे। इसमें भी आंसर के लिए हम क्या चूज करते हैं, ये वाली प्लेस, तो योर आंसर विल बी 9216। दिस इज स्क्वायर ऑफ 96। अब आपको अगर डाउट है तो आप 96 × 96 करके देखिए, वो भी आएगा 9216। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर कॉलम मेथड से, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके दो पार्ट होंगे, एक राइट पार्ट एक लेफ्ट पार्ट। राइट पार्ट मीन्स यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को हमें आंसर में लेना है, और उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द यूनिट प्लेस जो भी होगा वो यहां पर ऐड होगा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द यूनिट प्लेस इसे छोड़ देना है, इसको छोड़ के जो नंबर है वो यहां ऐड होगा। ठीक है, और आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए। आई एम टेकिंग स्क्वायर ऑफ 89, सो ए इज 8 एंड बी इज 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3। अब इसको बहुत ध्यान से करें जिससे ये हमारे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ए स्क्वायर, 2ab, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, 2ab एंड बी स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, दिस इज इक्वलेंट टू 144 एंड दिस इज इक्वलेंट टू 181। अब मैं यहाँ पर कलर चौक का चेंज कर रही हूँ, यूनिट प्लेस को छोड़ के, मीन्स दिस वो क्या होता है, ऐड होता है, ऐड कर देंगे, कितना आया 152। सिमिलरली यूनिट प्लेस को छोड़ के तो कितना है 15, वो यहां पर ऐड होगा, है ना, 5 और 4 9 6 एंड 1 7। अब फाइनली जब हमें आंसर देना होगा तब हम क्या करेंगे, अगेन आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द चौक। फर्स्ट कॉलम से हमें पूरा नंबर लेना होता है, सेकेंड कॉलम से ओनली यूनिट प्लेस, थर्ड कॉलम से ओनली यूनिट प्लेस। सो योर आंसर इज 7921। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी जब देखेंगे तो 89 मल्टीप्लाई बाय 89 इज ऑलवेज इक्वल टू 7921। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड विच इज नोन एज कॉलम मेथड, बट इट इज गुड फॉर ओनली टू डिजिट्स नंबर, क्योंकि इससे ज्यादा वाले नंबर्स में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो हमें अगर कोई भी टू डिजिट नंबर आया और उसका स्क्वायर निकालना है तो हम प्रिफर करेंगे कॉलम मेथड, या बाकी आपकी जो आइडेंटिटीज थी वो सारी आइडेंटिटीज। तो इस तरह से हमने स्क्वायर से रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी पढ़ी। अब नाउ आई विल समराइज ऑल द प्रॉपर्टीज
so that you can remember all the time when we learn square root. Because अभी हमने केवल squares के बारे में पढ़ा है. Now we'll move to the topic square root. But उससे पहले हम एक summary लेंगे सारी properties की. First property is a number ending in a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. Means aisa koi bhi number jo end ho raha ho, end bol means kya hua, like I have 7 8 9 7, to end means jiski unit place. If it is 2, 3, 7 or 8, then it is not a perfect square. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है अगर ऐसी सिचुएशन आई कि जिसका एंड जो है 2, 3, 7, 8 से हो रहा है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. सेकेंड, अ नंबर एंडिंग इन एन odd number of zeros, number of zeros is never a perfect square. Odd number of zeros means 1 3 5 7. Like iska example dekhen, I have 1000. 1000 mein jo zeros hain, agar inhe hum count kare to we have 3 zeros, and 3 zeros is a odd number of zeros. तो 1000 कभी भी किसी का perfect square नहीं होगा. But if I have 10,000, then it will square of 100. Because ये even है. Number of zeros क्या है? Even है. 1 2 3 4. 4 zeros means even zeros. तो इसका देखिए square फट से आ गया. और देख लेते हैं 5 कर दिए. 3 into 5. तो ये किसी का perfect square नहीं होगा. बट इसी को मैंने 6 कर दिया, देन इट विल स्क्वायर ऑफ 1000. सो हम क्या करेंगे, अगर हमें जीरोस आ रहे हैं तो हम उन्हें काउंट कर लेंगे. इफ दे आर ऑड, देन विल डायरेक्टली से कि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एंड इफ नंबर ऑफ जीरोस आर इवन, देन वी कैन फाइंड द स्क्वायर, राइट? सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. Third is the square of an even number is always even. कुछ भी number ले लीजिए, like I am taking 12. 12 is a even number. I want to find the square. So what I'll do? 12 into 12, and which is always equal to 144. अब हम इसे चेक करेंगे, ये इवन है, यस. और जो नंबर हमने लिया था वो भी क्या था? इवन. मींस द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. ये मैंने एक एग्जांपल लिया, आप एम्पल ऑफ एग्जांपल्स लेके इसको चेक कर सकते हैं. सो दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉपर्टी जिसको आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक थर्ड प्रॉपर्टी. द स्क्वायर ऑफ एन odd number is always odd. इसका example मैं बता देती हूँ आपको कोई भी. Like आपने 11 लिया, 11 का square निकाला, कितना होगा? 121. पुराना भी हम ले लेते हैं, like 12 square था, इसका answer क्या आया? 144. So 4 was even. तो square of even number is even. Similarly 11 का square क्या है? 121. This is odd number. So square of odd number is odd. और कोई number ले लीजिए, like 13 ले लिया, 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 169. 9 इज अगेन ऑड, मींस द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है. नाउ फिफ्थ, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज
smaller than the fraction. जो फ्रैक्शन हम लेके चलेंगे उसका पहले क्या निकालेंगे, स्क्वायर. तो देखिए हमने लाइक आई एम टेकिंग 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर क्या आया, 1/4. सो दे आर सेइंग द स्क्वायर, स्क्वायर क्या आया, 1/4, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने लिया था उससे लेस ही होगा. तो वैसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, 1/4 मीन्स क्वार्टर एंड 1/2 इज हाफ. क्वार्टर इज ऑलवेज लेस देन हाफ. ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लीजिए, लाइक यू हैव टेकन 2 7/8. द स्क्वायर ऑफ 7/8 कितना आएगा हमारे पास, 49/8 = 64. सो द प्रॉपर्टी सेज 49/64, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमेशा लेस देन आएगा जो हमने एक्चुअल प्रॉपर फ्रैक्शन लिया था 7/8. ठीक है, सो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज. आई एम रबिंग दिस प्रॉपर्टीज बिकॉज मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप इन्हें नोट डाउन कर लें. नाउ 6 प्रॉपर्टी इज वेरी डिफरेंट एंड न्यू काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने पहले पढ़ी उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पढ़े. फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, नेचुरल नंबर एन, एन स्मॉल ले लेते हैं, एन, वी हैव एन प्लस वन स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर. अगर ऐसा है देन इट इज इक्वल टू एन प्लस वन प्लस एन. प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ लगती है, बट इट्स वेरी इजी प्रॉपर्टी. इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको जल्दी से इसे क्लियर हो जाएगा. लाइक आई हैव 337 स्क्वायर माइनस 336 स्क्वायर. सबसे पहली चीज, तो आप ये प्रॉपर्टी भूल जाएं तो आप इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, 337 मल्टीप्लाई बाय 337 करेंगे, 336 मल्टीप्लाई बाय 336 करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑब्वियस है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, तो हम इसे नहीं करेंगे. ठीक है, दूसरा तरीका, आप कहेंगे मैम हम ये प्रॉपर्टी भी तो अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, बिल्कुल कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, 337 प्लस 336, 337 माइनस 336, राइट. तभी भी आपको यहां पे इनको ऐड करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा और उसका मल्टीप्लाई करना होगा. ये भी थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी देन देखिए कितना आसान हो जाएगा. n इज व्हाट, 336, एंड n प्लस वन इज व्हाट, 337. सबसे पहले आप n प्लस वन और n लिख लें. ठीक है, अब प्रॉपर्टी अप्लाई करें. आपकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर ऐसी सिचुएशन है देन यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर. यहां पर n प्लस वन आपका क्या है, 337, n क्या है, 336. आपको केवल इन दोनों को ही ऐड करना है और आंसर आ जाएगा. तो आपके पास खुद ही इसका आंसर है कि वॉट यू विल चूज एंड वॉट यू विल नॉट चूज. ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अगर ये प्रॉपर्टी जो हम समरी में पढ़ रहे हैं रिकॉल कर लेंगे तो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि हमें ये अप्लाई नहीं करना है, ये अप्लाई नहीं करना है, हमें ये अप्लाई करने की कोशिश करना है, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. एन प्लस वन मतलब जो फर्स्ट नंबर है, माइनस एन मीन्स जो सेकेंड नंबर है, हमें केवल उन दोनों नंबर को एड करना है. एक और एग्जाम्पल इसका इमीजिएटली कोई भी ले लेते हैं, लाइक 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर. हमें कुछ नहीं करना है, हमारा इसका आंसर होगा 82 प्लस 81, ये आ जाएगा 163. कोई और नंबर ले लीजिए, 556 माइनस 555. ठीक है, तो हमें इसे कुछ नहीं करना है, हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मींस n प्लस वन प्लस n करना है, 555, और इन दोनों को ऐड कर देना है. तो ये बहुत इजी हुआ, तो हम किसको चूज करना पसंद करेंगे, इस प्रॉपर्टी को. तो फिर 6th प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरी शॉर्टकट. नाउ 7th प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ
first n odd natural numbers is n square. First n odd natural number. तो सबसे पहले तो हमें odd numbers क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. Those number who are not divisible by 2, like 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etc., etc. हम कुछ numbers ले लें. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Like, मुझे इनको add करना है. I want to find the sum of first these odd natural number. तो हम सिंपल तो तरीका क्या है, इन्हें ऐड करके देख लेंगे. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. आप इन्हें ऐड करके देख लीजिए. बट अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है वो लॉन्ग भी होगा, सिली मिस्टेक्स होने का चांस भी होगा और पजल्ड भी हो जाएंगे हम इन्हें क्यों ऐड करें जब हमारे पास इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर हमें फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है तो हमें केवल वो ऑड नंबर्स की काउंटिंग करनी है कि ये कितने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये कितने नंबर्स लिए हैं मैंने, 9 ऑड नंबर लिए हैं. तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ पर एन जो है मेरा 9 है. एंड प्रॉपर्टी सेज इफ यू फाइंड द सम देन सम इज एन स्क्वेयर मीन्स 9 स्क्वेयर यानी 81. अब आप इसको ऐड करके भी देखेंगे तो इसका आंसर 81 ही आएगा. तो मुझे यहाँ ऐड ही नहीं करना पड़ा, मुझे क्या करना पड़ा, केवल प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ा. प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए फर्स्ट व्हाट आई डिड, आई काउंटेड ऑल द ऑड नंबर्स. कितने ऑड नंबर्स हैं ये, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 9, सो माय आंसर इज 81. सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और इजी हो जाए. 1, +3, +5, +7, +9, +11, +13, +15, +17, +19, जितने चाहें आप लिखते जाएं, 21, 23, 25 and 27. ठीक है, यहाँ तक के मैंने नंबर लिए, मुझे इनका सम निकालना है. मैं यहाँ जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगी, आई विल नॉट एड ऑल दिस नंबर, मैं सिर्फ इनको काउंट करूंगी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. सो माई नंबर ऑफ ऑड नंबर इज 14. सो माई आंसर विल बी एन स्क्वेयर मीन्स 14 स्क्वेयर. 14 स्क्वेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 196. अब आप इसे एड भी करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 196. तो स्टूडेंट, प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर क्लियर होती जा रही होगी कि प्रॉपर्टी जो बनाई गई है वो शॉर्टकट्स के लिए ही बनाई गई है जिससे आपको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े और सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी कम हो जाए. नाउ एट्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इफ एम एन पी आर natural numbers such that m square plus n square is equal to p square, then m and p are called Pythagorean triplet. इफ एम एन पी आर नेचुरल नंबर मीन्स कोई भी नंबर्स हमें दिए हैं, हमने इस पे बेस्ड अभी एग्जांपल किए, फिर से हम कुछ ले लेते हैं लाइक 3, 4 and 5. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 square plus 4 square किसके इक्वल आना चाहिए, पी स्क्वायर मीन्स 5 square, बिकॉज दिस इज एम, दिस इज एन एंड दिस इज पी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. इसका 9 आया, 16 एंड दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 25 एंड दिस इज 25. एल एच एस एंड आर एच एस क्या हुआ, इक्वल हो गया. मीन्स वी कैन से दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. कोई भी कॉम्बिनेशन आपने ले लिया 10, 11, 12, चेक करके देखेंगे
कि वेदर इट इज पाइथागोरियन और नॉट. सो व्हाट आई विल डू, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100, 121 एंड दिस इज 144. इसको ऐड किया तो ये आया 221 विच इज नॉट इक्वल टू 144. सो दिस इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. फाइन, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता करना बहुत ही ईजी है. प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि उन फर्स्ट टू नंबर का स्क्वायर उनको ऐड करिए तो वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी नेचुरल नंबर m, नंबर ले रहे हैं m विच शुड बी ग्रेटर देन 1. मीन्स ये प्रॉपर्टी जो अप्लाई है केवल 1 से बड़े नंबर के लिए ही है. इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ भी मेंबर दिया हो, कोई भी एक नंबर दिया होगा, लाइक द मेंबर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, 2m इक्वल्स टू 20. सबसे पहले हम m फाइंड कर लेंगे. m क्या होगा, 20 अपॉन 2 मीन्स 10. नाउ फिर हम m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे. m हमारा कितना आ चुका है, 10. 10 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 मीन्स 99. सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 1 यानी 100 प्लस 1 यानी 101. सो हमारे पास तीनों कॉम्बिनेशन आ गए. वी हैव 2m ऑल्सो, वी हैव m स्क्वायर माइनस 1 ऑल्सो एंड वी हैव m स्क्वायर प्लस 1. दिस इज 20, दिस इज 99 एंड दिस इज 101. इसको आप चेक करके देखेंगे, 20 स्क्वायर 99 स्क्वायर, सो ये 101 स्क्वायर के इक्वल आएगा ही आएगा बिकॉज ये हमने कंडीशन के थ्रू ही फाइंड किया है. सो दिस इज द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अपार्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी वी हैव लर्न थ्री मेन आइडेंटिटीज, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. सो स्टूडेंट ये था समरी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज एंड हमने इसके साथ एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी विच इज नोन एज कॉलम मैथड. एक क्वेश्चन में कॉलम मैथड का फिर से रिकॉल कराऊंगी सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल विद चैप्टर स्क्वायर. अभी स्क्वायर रूट पढ़ना बाकी है बट हमने स्क्वायर से रिलेटेड जो जो पॉसिबिलिटीज थी वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर कर ली है. कॉलम मेथड इज कॉलम मेथड. सबसे पहले इट इज फॉर फाइंड द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट नंबर्स. मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है वो हम टू डिजिट नंबर्स के लिए ही यूज करेंगे. कोई भी टू डिजिट नंबर ले लीजिए, लाइक आई वॉन्ट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 88. ए हमारा हो गया 8, बाई चांस यहाँ पर बी भी हमारा क्या होगा 8. ये दोनों नंबर को हम ए और बी नेमिंग देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम तीन कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं ए स्क्वायर, सेकेंड में 2ab एंड थर्ड में बी स्क्वायर. बिकॉज कॉलम मेथड इज बेस्ड ऑन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. यहाँ तीन पार्ट हैं इसलिए हम तीन कॉलम बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64. 2ab मीन्स 2 × 8 × 8 तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 2 जा 128. यहाँ पर भी 8 स्क्वायर मीन्स 64. अब मैं कलर चौक का चेंज कर रही हूँ. यहाँ पर जब ये हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास दो डिजिट में से हम ये वाले डिजिट यहाँ ऐड करते हैं.
ठीक है, तो 8 and 6 कितना आया, 14, 3 and 134। सिमिलरली यहां पर जो रिजल्ट आया इसको छोड़ के, यूनिट प्लेस को एक्सक्लूड करके, तो अभी हमारे पास क्या है 13, वो यहां पर ऐड होता है, ठीक है, 8 and 6 and 1 7। और ये एज इट इज, यहां हमने कुछ भी नहीं किया है, मीन्स यहां से यूनिट प्लेस को एक्सक्लूड करके जो नंबर है अभी इस केस में 6 है, वो यहां ऐड होगा। जो रिजल्ट आया यूनिट प्लेस को एक्सक्लूड करके जो नंबर होगा वो यहां ऐड होगा, याद है। इसके बाद हमें जब आंसर देना होता है तब हम क्या करते हैं, ये पूरा नंबर लेते हैं, यूनिट प्लेस लेते हैं, एंड सिमिलरली यहां भी यूनिट प्लेस लेते हैं। सो फाइनली योर आंसर इज 7, 7, 4 and 4, जो ब्लू से हमने टिक किया है, दिस इज योर फाइनल आंसर 7, 7, 4, 4, मीन्स द स्क्वेयर ऑफ 88 इज इक्वल टू 7, 7, 4, 4। सो ये मेथड जो है वो बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करें। तो कहीं भी टू डिजिट नंबर्स का स्क्वायर निकालने को आया तो आप इसके थ्रू निकालेंगे तो वो झट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।